तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। एंड आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास लेके आए हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं जो गाड़ी हमारी है यहाँ पर टोचन होके आई है एंड इसकी जो साफट है वो पूरी घूम रही है। ठीक है, यहाँ से जो कि गियर लगाने पे ये साफट पूरी फ्री हो रही है, यानी कि गाड़ी आगे हमारी नहीं चल पा रही है। तो यही वीडियो जो कि हम बनाने वाले हैं कि आप क्या क्या, अगर आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं खड़ी हो और अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप जो कि अपने गाड़ी न्यूट्रल करवा दी है एंड यहाँ पर पूरी फ्री हो चुकी है। ठीक है, ये साफट पूरी फ्री हो चुकी है। तो अगर ये साफट अगर यहाँ से अगर हम चेक करेंगे, अगर दूसरी अगर यहाँ से सेंटर बिंग रबड़ के यहाँ से अगर यहीं से सिर्फ घूमती है, अगर पीछे वाली साफट नहीं घूमती है, तो हमें सबसे पहले उसकी फ्लांज चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर ये साफट जो कि पूरी घूम रही है, तो इसे हम सबसे पहले इसके एक्सल्स जो कि हैं वो चेक करने वाले हैं, क्योंकि पूरी साफट अगर घूम रही है तो सबसे पहले हमें एक्सल जो कि चेक करना है। तो आज है होली और होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी फ्रेंड्स को। तो अब जो कि हमारी गाड़ी पर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर एक्सल्स हैं। ये हमारी आइसर जो गाड़ी है, इस पर जो कि एक्सल्स लगे हुए हैं, जो हब है वो टाटा वाले किए गए हैं। एंड यहाँ पर जो कि टाटा वाले हब है, तो जो कि इसकी जो चूड़ी है वो चेंज कर दी गई थी क्योंकि ये एक्सल्स की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है एंड आवाज़ सुन लिया ये इधर, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो कि आवाज़ अभी आपने जो सुनी है वो हम आपको अभी आपको क्लियर नहीं सुनाई दी होगी, पर हाँ अब हम आपको क्लियरली वो आवाज़ को सुनाएंगे। जैसे सापड़ घुमाएंगे और आवाज़ सुनिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से जो कि आवाज़ आ रही है। एंड सबसे पहले जो कि हम इसके एक्सल्स चेक करेंगे एंड उसके बाद में अगर एक्सल्स हमारे सही निकलते हैं तो हम चेक करेंगे दूसरी चीज क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे। अगर आपको अगर एक्सल्स ख़राब नहीं होते हैं तो जो आप सापट किस तरीके से चेक करेंगे, अगर आपको जो कि नंबर वन वाली जो सापट्स है गियर के पास वाली, अगर वही घूमती है, अगर पीछे की सापट्स नहीं घूमती, तो आपको उसके फ्लांज वगैरह देख लेनी है कि टूटी वूटी तो ना है। एंड पीछे वाली चेक कर सकते हैं आप एंड उसके बाद आप एक्सल खोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल एक्सल खोल रहे हैं। यही चीज़ हम आपको हर वीडियोस में बताते हैं कि हम हमारे यूट्यूब चैनल पर हम यही बताते हैं कि किस तरीके आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, खुद से कर सकते हैं, यानी कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, बस यही हमारी वीडियोस में हम बताया जाता है। तो यहाँ पर जो कि हमारा जो कि ड्राइवर साइड का जो कि एक्सल्स है वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से काउंट कर लिया हमने, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप अच्छी तरीके से इसमें लगी हुई है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये है हमारा कंडक्टर साइड का एक्सल्स, तो इसे भी हमने खोल लिया था एंड इसे हम निकालते हैं एंड उसके बाद में आपको चेक करेंगे। अगर ये सही निकलता है उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे आपको वो भी दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो कि एक्सल्स खोल लेना है, वो वाला एक्सल जो कि हमारे ड्राइवर साइड का है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बिल्कुल सही निकला है एंड जो कि कंडक्टर साइड का है वो हमें चेक कर लेना है। तो यहाँ पर जो कि सापट्स अभी भी नहीं घूम रही है, क्योंकि अब चेक करेंगे हम जो कि इसका एक्सल थोड़ा अंदर चल जो कि घुस चुका है एंड एक्चुअल में जो कि एक्सल्स है वो किस तरीके से फ्री हो रहा है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कि एक्सल्स है आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि अभी ये भी फ्री नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर देख लो हल्का सा जो कि अभी घुमा था एंड इसे हम जो कि सापट्स को यहाँ पर हल्का सा जो कि एक्सल्स है उसे यहाँ पर हम बाहर करते हैं, यानी कि एक्सल्स की जो चूड़ी है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, बस यही चीज़ हम आपको बताने वाले। तो यहाँ पर जो कि एक्सल्स इस पर हमें डाउट था तो इसे भी हमने बाहर कर लिया एंड आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सल्स की जो कि चूड़ी है वो पूरी ख़राब हो चुकी है, यानी कि जो कि उसके जो कि ग्रुप्स हैं वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं, जो कि हब के ग्रुप्स हैं वो भी पूरे ही ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं हब के ग्रुप्स। ये आपको अभी एकदम क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि एक्सल्स हैं उसके ग्रुप भी पूरे ख़त्म हो चुके हैं। उस साइड के किस तरीके से थे और इस साइड के किस तरीके से हैं ये आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप जो कि एक्सल्स है ये हमारा जो कि पूरा फ्री हो चुका है एंड ये तो चलो ठीक है थोड़ा सही भी है, पर वो जो कि हमारा हब है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जो कि हब है जो कि उसके अंदर के जो ग्रुप्स हैं वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप किस तरीके से यहाँ पर पूरा फ्री हो चुका है, ये जो कि हम इसलिए यहाँ पर लगा रहे हैं इसके ग्रुप्स पूरे स्लिप हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, अब आपको दिखाते हैं क्लियरली किस तरीके से, जो कि ये देख सकते हो आप यहाँ पर पूरा फ्री हो चुके हैं। जो कि एक्सल्स है हमारा वो भी जो कि यहाँ पर फ्री हो चुका है, उसी के कारण जो कि हमारी सापट है वो पूरी फ्री घूम रही थी एंड इसके बाद में जो कि इसे हम चेंज करेंगे। तो ये तो हमारी मिस्टेक हो चुकी है क्लियर। एंड अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं एंड डेफिनेटली जो कि आप
कह सकते हो कि 101% आपके जो कि वीडियोस का जो कि आपकी गाड़ी का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।